Justin Dami, Alvin, let's go. Yeah. I'm in the whip with a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, then I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah. Shorty a dancer with her OnlyFans, got her bands up, she independent. तो ये तो वीडियो का लास्ट था जो ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, और ये वापसी आते हुए मैंने शूट करा वीडियो को, जो कि काफ़ी खूबसूरत था। तो जो ये झरना देख रहे हैं, ये आपका हथियारी डैम के पास है, काफ़ी एक खूबसूरत है, लोग एंजॉय करते हैं गर्मियों में आके यहाँ पर। तो आप कभी आएँ यमुनोत्री रोड पर तो ये डैम के पास में ही है, आप यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये बरसात में काफ़ी उफान पर यमुना जी अपना रूप लेते हुए, एक जना ये लखपाट रोड के आसपास में पड़ता है, काफ़ी अच्छा है ये भी, यमुनोत्री रोड पे मिलेगा आपको। तो आज मैंने अपने 300 रुपये बचा लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में मेरी गाड़ी धुल रही है। और ये जमुना पुल जो कि यमुनोत्री नदी के ऊपर बना पड़ा है, इससे थोड़ा सा आगे जाके एक मसूरी रोड भी है, जहाँ से मसूरी के लिए कट जाते हैं कैम्प्टी फॉल के लिए। अब ये नैनबाग के मेन मार्केट में हैं हम, और ये इतनी खूबसूरती जो नेचर की पहाड़ों पे जो मिलती है, वो यहीं आके फील की जा सकती है। तो कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ली है मैंने, जौनपुर ब्लॉक का ये आदर्श उत्कृष्ट स्कूल है, जो कि आप नैनबाग में देख सकते हैं, नैनबाग वाले एरिया में देख सकते हैं। और ये आपका पंतवाड़ी, यहीं से नागटिब्बा के लिए जाते हैं, एक रास्ता यहाँ से जाता है जो नागटिब्बा के लिए पहुँचता है गाड़ी से। ये पंतवाड़ी का छोटा सा मार्केट, और ये कुछ जगह, ये जौनसर बावर में एक जगह है कुआनू, वो सेम इसी के तरीके से दिखती है, काफ़ी अच्छी जगह है। श्रीकोट हम पहुँच चुके हैं, काफ़ी ही सुंदर जगह है, अगर आपको नेचर फील लेना है तो ज़रूर यहाँ इस गांव में विज़िट करें, यहाँ के नेचर को फील करें। ये सीज़न सारा जो रिकॉर्ड किया हुआ है, ये बरसात का है, बरसात में किस तरीके से पहाड़ों में दिनचर्या चलती है लोगों की, यहाँ पे लोग क्या करते हैं बरसात में। वैसे लोग खेतों में टमाटरों का सीज़न रहता है, तो उसका यहाँ पे अपना बिजनेस रहता है, काफ़ी अच्छा चलता है ये पहाड़ों की खूबसूरती के साथ। ये वीडियो आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं श्रीकोट छोटे से गांव से, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ का। श्रीकोट से नीचे वाले साइड में, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो उसे कोट बोलते हैं, और जो उसके ऊपर वाला गांव, कोट के ऊपर वाला गांव श्रीकोट, ये प्रधान जी का एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, हमने यहाँ खाना भी खाया था, शुभारम्भ होम स्टे करके है, काफ़ी अच्छा है।
special love. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. Addicted to the rush, I never meant to fall. All I wanted was a touch. अब आपको ले चलते हैं जौनपुर ब्लॉक का आखिरी गांव एंदी, और ये एंदी रास्ते में पड़ता है। काफ़ी अच्छा यहाँ पे विजिट करने को है, आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं जब आप कभी इधर आओ। लेकिन बरसात में सब कुछ यहाँ पे बंद रहता है, तो बरसात में वैसे भी ना आए क्योंकि रोड ब्लॉक काफ़ी पहाड़ों पर रहते हैं, तो वो रिस्की रहेगा आपके लिए। जो यहाँ के लोकल एरिया के लोग हैं वो तो उसको मैनेज कर लेते हैं, लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी कहीं आप दूर से आए और मज़ा भी ना ले पाएँ। और धीरे धीरे हम एंदी गांव की ओर बढ़ रहे हैं, जो ये आपको दिख रहा है एंदी, जैसे मैंने आपको बताया। मेरा तो मन मोह लिया इस जगह ने, काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे नागटिव बक का एक कैंप एरिया स्टे बनाया है। यहाँ पे स्टे करते हैं लोग यहाँ पे आके, तब यहाँ से कैंपिंग करते हैं। यहाँ से पैदल जाना होता है लोगों को, और अगर पंतवाड़ी से जाएं तो वहाँ से आप गाड़ी से भी जा सकते हैं, उधर से व्हीकल वगैरह जा सकता है। ये बादलों की खूबसूरती और ये हरे भरे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मैं, लास्ट वन विभाग की चौकी है जौनपुर ब्लॉक के, जो एरिया जो पड़ता है उस जगह का नाम है पत्थरखोल। वहाँ पे एक दुलेश्वर महाराज जी का एक मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है, और ये आप व्यूज़ देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं लगता जैसे हम पहले विंडोज़ एक्सपी चलाते थे कभी पीसी में, तो उसी के तरीके के ये पहाड़ वहाड़ दिख रहे हैं, तो थोड़ा कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो ये खूबसूरती जो यहाँ की है नैनबाग के आखिरी गाँव से ऊपर वाले एरिया की, पत्थरखोल को जाते हुए रास्ते की, ये मन मोह लेती है। आप यहाँ ज़रूर आएँ और विज़िट करें, देखें ज़रा पहाड़ों के नज़ारे। ये पहाड़ से ऊपर की ओर से मैंने ये वीडियो कैप्चर करी। ये जौनपुर ब्लॉक का सबसे आखिरी गांव है एंदी। ये Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. Addicted to the rush, I'm never meant to fall. All I wanted was a touch, 'cause we already lost. Addicted to the rush. तो आप ये देख सकते हैं बान का जंगल, काफ़ी घने पेड़ होते हैं इसके पहाड़ों पर, या पहाड़ों पर या बान के जंगल मिलेंगे या देवदार चीड़ के पेड़ के जंगल मिलेंगे। और ये हम पत्थरखोल पहुंच चुके हैं। और ये नैनबाग में पड़ने वाला ये वन विभाग चौकी जो पत्थरखोल में है, और ये महाराज तुलेश्वर जी का मंदिर है, उसका मैंने कुछ रिकॉर्ड किया है। आपको पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। जो हो सकता है मैंने लोकल एरिया को रिकॉर्ड किया है, जो मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, और काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे।
special love. We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. Artificial love. Artificial love, we just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. I'm never meant to fall. All I wanted was a touch. Cause we already lost, addicted to the rush. I'm never meant to fall. All I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. Artificial love. We just make it up, cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. How can you know what's in our mind, when in between the good and bad is such a thin line? How can you know what's in our mind, when often hate know your face and love to see you fly? Artificial love. तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करिएगा। तो ये एंदी गांव का जो पास में ही एक होम स्टे है, यहाँ पे लोग रुकते हैं जब नागटिप के लिए घूमने आते हैं। और इसके बाद ये आगे अगर सीकोट की तरफ जाते हैं यहाँ से, तो एंदी गाँव पड़ता है। एंदी गांव भी काफ़ी खूबसूरत गांव है, जो कि मैंने आपको भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। तो इसी तरीके से आप इस वीडियो चैनल पर बने रहें, मैं आपको खूबसूरती पहाड़ों की दिखाता रहूँगा समय के साथ साथ। और भी सारी कई वीडियोस जो मैं व्लॉग में शूट करूँगा, वो मैं इस वीडियो चैनल के माध्यम से दिखाऊँगा। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।